गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, वैकेंसी एग्जाम में जब बैठोगे, एग्जाम में कभी तो दे पाओगे, अब तो सारा बड़ा एग्जाम बैठना है, एग्जाम तो अब यहाँ घूम के इधर टाइम पास करोगे, कुछ नई सीख के जाओगे सब आप करना है ना उसी क्वेश्चन देगा उसी कहानी से देगा उसी कहानी से सारा प्रश्न आपको दिया वही बोल रहे हैं सर क्या होगा दूसरे बुक में या इसी चैप्टर में इसी चैप्टर में इसी चैप्टर में इसी चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में इसी चैप्टर में राइट तो आप जो आज रफ की कॉपी खरीदोगे
उसमें सारे प्रश्न अभ्यास का आंसर लिखो इस चैप्टर से। ये काम डॉक्टर इजी पर इजी कर ले, तब तो है, तब तो हर एक चीज है। अगर हम सोच चले यार मैं एग्जाम का इसको पढ़ूंगा बैठना पड़ेगा ये तो टफ है ना, लेकिन चले यार इसको बैठ गया तो इजी है उसको बनाना अपने घर से सही। अब इसको क्या करना है इजी बनाना। तो अगर इस तरीके से फॉलो करके पढ़ोगे तो टॉप करने से कोई नहीं, जितने भी टॉप होते हैं चांस ऐसी हमारा मेन टॉपिक क्या था स्पीकिंग है ना। चलिए अपना अपना स्पीकिंग का बुक निकालिए और निकालिए आप पेन और पेन पेन पर निकालिए।